भक्तो, यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक ही आपको बार बार परेशान कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या आपके परिवार की जान माल का दुश्मन बन बैठा है या आपके परिवार पर बुरी नजर रखता है, तो भक्तो ऐसे में कुछ उपाय करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि हमारा शत्रु हमसे रुपये में, पैसे में बहुत ज़्यादा बलवान होता है, ताकत में वह हमसे बलवान होता है, हर तरह से वह बलवान होता है, तो ऐसे में हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ऐसे में कुछ उपाय, कुछ टोटके कर लें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसा ही बड़ा ही पावरफुल और महाशक्तिशाली टोटका लेकर आए हैं, जिससे आप अपने किसी भी दुश्मन से, अपने किसी भी शत्रु से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपके लिए इलायची का बहुत ही पावरफुल और महाशक्तिशाली टोटका आज हम आपको बताएंगे। तो भक्तों, यह आजमाया हुआ उपाय है, हर बार का आजमाया हुआ उपाय है, तो इसको जरूर से जरूर करें। आपको क्या करना है, इसके लिए दो हरी इलायची ले लेनी है, दो इलायची आपको लेनी है और अपने हाथ पर रख लेनी है, ठीक है। अब आपको दूसरे हाथ से इसको इस प्रकार से बंद कर लेना है और अपने शत्रु का मन में ध्यान करते हुए, ठीक है, अपने शत्रु का मन में ध्यान करते हुए एक मंत्र हम बताएंगे जो कि शत्रु संहारण का पावरफुल और सच्चा मंत्र है, ठीक है। आपको इसके ऊपर 51 बार या 108 बार मंत्र को बोलना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इस मंत्र को, यह बड़ा ही पावरफुल और सच्चा मंत्र है। मंत्र को आपको इस प्रकार से बोलना है, ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु संघारणाय नमः, ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु संघारणाय नमः, ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु संघारणाय नमः। ऐसा आपको 51 बार या 108 बार मंत्र को बोल देना है। जब 108 बार आप मंत्र बोल देंगे तो फिर यह इलायची सिद्ध हो जाएंगी, यह इलायची सिद्ध हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, एक सुई लेनी है, ठीक है, और इलायची के अंदर इस प्रकार से आपको सुई को गाड़ देना है। सावधानी पूर्वक यह कार्य आपको करना है, अपने शत्रु का मन में ध्यान करते हुए आपको सोचना है कि यह जो सुई है आप अपने शत्रु में गाड़ रहे हैं। आपको गुस्से से शत्रु का मन में ध्यान करते हुए इलायची के अंदर इस प्रकार से सुई को गाड़ देना है, दोनों इलायची को सुई में इस प्रकार गाड़ देना है। अब आपको क्या करना है, इसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके गड्ढा खोद करके दबा देना है, या आप इसको गंदी नाली में, जहाँ गंदा पानी हो वहाँ पर इन इलायची को और सुई को डाल देना है। और बस मात्र 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए आपसे शत्रुता छोड़ देगा और आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।